में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शशि दीजी जी का, जो कि बर्रा सेवा केंद्र की संचालिका हैं और लगभग 30-35 वर्षों से इस कार्य का संचालन कर रही हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, आज इस पर हमारी शशि दीदी जी, आदरणीय शशि दीदी जी इस पर प्रकाश डालेंगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, मंच परासीन राजयोगिनी दादी जी और हमारे दैवी भ्राता पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा जी और सभी भी मंच पर जो भी आप आसीन हैं और सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत आज की टॉपिक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत था हमारा, ये तो सभी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारा देश प्राचीन काल से ऋषियों मुनियों और मनीषियों और देव स्थानों के कारण देव भूमि कहलाता है। इसी कारण भारत को विश्व गुरु भी माना जाता है। लेकिन आज जो भारत की हालत है, क्या कहेंगे, आज भारत के लिए जो महिमा गाते थे कि भारत भूमि देव भूमि है, कहते थे यत्र नारस्थ पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ देवी देवता विचरण करते थे। लोग अपने आप को सोचते हैं कि भारत भूमि में जन्म होना बहुत बहुत धन्य की बात है। आज भारत देश की कितनी महिमा है, भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत में कितना प्यार प्रेम था, कहते हैं घी दूध की नदियां बहती थी। आज हमारा भारत जो इतना ऊंचा था, आज क्या हालत हो गई, यही भारत श्रेष्ठाचारी था और आज वही भारत कितना भ्रष्टाचारी हो गया। इसीलिए जो ये टॉपिक रखी गई है, दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, दया और करुणा, आज देखते हैं संसार में इसका बहुत अभाव है, इसके लिए ही ये जरूरत पड़ी है। वास्तव में देख रहे कि भारत सरकार हमारी इस समय अमृत महोत्सव जो मना रही है, अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर हमारे ब्रह्मा कुमारी जी के जो आगे थीम है कि अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, तो उसके लिए कुछ हमारा योगदान होगा ना, कैसे बनेंगे। आज जब हम समझते हैं कारण क्या है, जो यही भारत जहाँ के लिए गायन है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, आज जगह जगह हिंसाएं हो रही हैं, तो कारण क्या है, उस कारण का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक ये भारत स्वर्णिम भारत कैसे कहलाएगा। स्वर्णिम भारत माने स्वर्ण, शुद्धता का प्रतीक, जब इसी भारत में पवित्रता शुद्धता थी तो ये भारत सुख शांति की जननी कहलाता था। और आज भारत की ये दशा है, तो इस दशा को सुधारने वाले हम सब हैं, तो हम सब अपना एक कदम जब आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए कहा गया है, जब अति धर्म की ग्लानि गीता में जो दिया गया है, तब परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर ये कार्य करवा रहे, जो ये राजयोग की शिक्षा जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता को हम भूल गए हैं, तो उस संस्कृति को फिर हमें दैवी संस्कृति को अपनाना है। आज पाश्चात्य देशों वाले इस राजयोग को सीखने के लिए भारत में आते हैं और भारत में क्या देखते हैं, यहाँ उनको अपनी छवि दिखाई पड़ती, क्योंकि हम सब अपनी जो भारतीय सभ्यता थी उसको भूल कर और हम सब ने पाश्चात्य सभ्यता अपनाई है, तो इसलिए हमें फिर से वो भूला हुआ इतिहास फिर से हमें अपने आप को याद दिलाना है,
और इस भारत को दैवी भारत बनाना है। उसके लिए जो ये वर्णन है गीता में कि ब्रह्मा तन के द्वारा कल्प के अंत कल्पादो, उस समय परमात्मा आकर ब्रह्मा तन के द्वारा राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसको कहा गया अविनाशी राजस्व अश्वमेध यज्ञ। वो यज्ञ बड़ी खुशी की बात है, ये चल रहा है। जब तक हम अपने आप को जानकर, आध्यात्मिक का मतलब ही है अपने आप को आत्मा समझ, उस सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण न होने के कारण आज किसी के अंदर दया करुणा नहीं है। तो उस दया करुणा के लिए हमें अपने आप को जानना होगा और उस परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। तो आज हम सब इस बात के लिए कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना है, एक एक व्यक्ति को अपना योगदान देना है। क्योंकि हम सब जानते हैं आज भारतवर्ष में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि, ये भारत में ही तो है। भारत में देवी देवता जन्म लेते हैं और भारत में ही शिव परमात्मा का भी अवतरण होता है, जिसके यादगार में हम शिव जयंती मनाते हैं। तो राम कृष्ण इसी भारत में जन्म हुआ, लेकिन हम सब ने क्या कहना शुरू कर दिया, देवलोक ऊपर में है और मंदिर कहाँ है, नीचे पृथ्वी में। तो देवी देवताओं के जो मंदिरों का भी देखो कितना यादगार, कितना इन देवी देवताओं का सम्मान होता है, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाकर और देवताओं की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण और श्री राधे की जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर एक को अंदर लक्ष्मी नारायण को छूने का भी नहीं होता है, जो पुजारी होते हैं वही उनकी पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, विधिवत उनकी दिनचर्या, सुबह नहलाना, ड्रेस चेंज करना, सारा सब कुछ करते हैं देवी देवताओं का। आज चाहे कोई बड़ा नेता हो, अभिनेता, किसी का भी स्टैचू बनाते हैं, लेकिन ऐसे उसके लिए मंदिर नहीं बनाते हैं। तो सोचिए देवी देवताओं का अभी तक गायन है, लेकिन वो देवी देवता जब चैतन्य में थे ये हम किसी को मालूम नहीं है, तो कब थे, इसी पृथ्वी पर तो थे। तो सृष्टि का ये परिवर्तन, ये चक्र चलता रहता है, चार युगों का जो ये चक्र है। तो सतयुग त्रेता में श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे, लेकिन द्वापर से जन्म मरण में आते आते जब द्वापर से हम गिरावट में आए, तो हमारे अंदर जब हम अपने आप को देह समझने लगे, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए। अब परमात्मा आकर हमें फिर से स्मृति और तुम मेरी संतान हो, और परमात्मा पिता को कहते हैं वो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर है। तो उस परमात्मा के साथ जब हम अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो दैवी गुण आ जाएंगे, जो आज देवी देवताओं के सामने जाकर कहते मांगते हैं, शांति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, वहां तो संपूर्ण संपन्न दुनिया थी। इसीलिए कहते हैं ना, श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी दिखाई वो संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन आज हम सब मांग रहे क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। तो हम सबको जो प्राचीन राजयोग है, वो यही राजयोग है जो स्वयं परमात्मा धरा पर अवतरित होकर और ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। इस राजयोग की शिक्षा से ही हम एक पिता परमात्मा की संतान है, तो हर एक के साथ भाई भाई का जब हमारा संबंध होगा, एक पिता परमात्मा की संतान होने के नाते हम सब पर दया कर सकेंगे, करुणा कर सकेंगे। इसलिए हम सबको पुनः इस बात की आवश्यकता है, तभी हमारा ये श्रेष्ठ भारत बनेगा। क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड है, तो उस भारत को बनाने के लिए हम सबका पूरा पूरा योगदान चाहिए। उसके लिए हम सब इस राजयोग की शिक्षा से अपने को सर्व गुणों से संपन्न बनाएंगे।
क्योंकि देवताओं की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। आज चारों तरफ इतनी हिंसा, किसी के पास कोई गुण नहीं है, तो आज हम इस ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करेंगे। ये हम सबका आज संकल्प भी होगा कि हम सब मिलकर, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है, तो हम सब ये नहीं सोचें कि कर क्या सकते हैं, लेकिन स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो हम सब इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ महोत्सव से कुछ नहीं होगा, 75 वर्ष भी बीत जाएंगे, 80 वर्ष भी बीत जाएंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, इसमें कुछ हमें कदम उठाना होगा। अच्छा, ओम शांति।